पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, ये वो खास मौका है जिसपे होता है सवाल और जवाब का सिलसिला। आपका पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष लाइव देता है मौका। आपका जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉल करें, सवाल करें, जो भी आपकी समस्या है, पंडित जी उस समस्या का देंगे ज्योतिषीय समाधान। लेकिन हर बार की तरह एक ना एक विषय में लेकर के हाजिर रहती हूँ आपके सामने चर्चा करने के लिए हमारे दर्शकों की ओर से, जिससे जो भी बातचीत में सार निकल करके आए उसका लाभ हमारे दर्शक जरूर उठाएं। तो पंडित जी, आने वाला समय अगर बात जाए तो ग्रहण का समय, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में भी बताया था, तो मैं चाहूंगी इस पर ही हम आज विस्तार से चर्चा करें और जाने कि ये जो ग्रहण का समय है, ये किस दिन पड़ रहा है ग्रहण, क्या कुछ प्रभाव हमारे देश पर होगा। देवी और सज्जनों, अगला सप्ताह जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अधिकारियों के लिए ट्रांसफर का है, विद्यार्थियों के लिए प्रवेश का है, राजनैतिक लोगों के लिए ये 13 जो विधानसभाएं खाली हुई हैं उनके लिए, और प्रकृति के लिए ग्रहण है, धार्मिक व्यक्तियों के लिए रथ यात्रा है जी। तो सभी के लिए अगला सप्ताह बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन सब लिए है जिनके पास रुपये का संकट है जी। संकट है जिनका, हाँ जी, जिसके पास रुपया है उसका उसको किस बात का डर जी, जिसके पास हो उसे खोने का डर होगा। हाँ, जिसके पास रुपया नहीं है उसके लिए रुपया का के लिए भी ये सप्ताह बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या आप करें जिससे आपके पास रुपया भी आए ईमानदारी से, किसी प्रकार का संकट नहीं हो, किसी प्रकार का कोई परेशानियां नहीं हो, तो ये कितना इम्पोर्टेंट। बहुत सारी घटनाएं हो गई जी इस सप्ताह। ग्रहण पड़ेगा सूर्य ग्रहण 3 तारीख को, 3 तारीख को सूर्य ग्रहण है जी। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें पंडित जी से। हेलो, हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ पंडित जी, मेरे लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1983, सुबह 6:40 पर कानपुर। सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसकी, मैं ये जानना चाहती हूँ उसका ट्रांसफर होगा कि जॉब उसकी चेंज होगी, वो कहीं बाहर जाएगा, ट्रांसफर होगा या फिर जॉब चेंज होगी, रहेगी मैरिज के बाद। उसके परिवर्तन का योग है? नहीं है। है, उसके परिवर्तन का योग चल रहा है, तो परिवर्तन का जब योग है तो अपना कोशिश कर ले बेहतर जगह पर परिवर्तन करा ले, और ये परिवर्तन का योग 7 अगस्त तक अभी चलेगा, तो उसमें अपना प्रयास करके परिवर्तन करा सकता है। मगर पंडित जी बाहर तो नहीं कहीं जाएगा, ये चीज़ बाहर शहर नहीं जाए, लेकिन नहीं बाहर, बाहर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाएगा, आगे थोड़ा सा भविष्य में जाएगा, जरूर जाएगा। यानी कि कुल मिला के परिवर्तन का समय है और आगे बढ़ने का समय, हाँ, आगे और प्रयास करने की जरूरत है। तो जैसे कि स्पष्ट किए, जो स्थिति आपका सवाल था उस पर स्थिति को स्पष्ट किया है पंडित जी ने, उठाइए इसका लाभ। तो पंडित जी, जैसा कि आपने कहा ग्रहण का समय है, 3 तारीख को ग्रहण आप ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण है जी, लेकिन एक अच्छी बात, भारत में नहीं दिखेगा, यानी हमें टेंशन लेने की जरूरत, लेकिन अमेरिका में दिखेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए संकट है, उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण कुछ 16 जुलाई तक का समय रहेगा, क्योंकि एक ग्रहण का प्रभाव दूसरे ग्रहण तक ही होता है, बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जी। दूसरी बात, उस दिन आषाढ़ की प्रतिपदा है, ये हमारे यहाँ एक सदियों पुरानी मान्यता चली आती है कि आषाढ़ की प्रतिपदा के दिन जैसा होगा वैसा पूरे वर्ष होगा, तो उस दिन जी भर के खर्च करिए जी, फिर तो पूरे साल खर्चा ही खर्चा हो जाएगा, खर्ची करने के लिए मिलेगा, जब होगा तभी तो मिलेगा। हाँ, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया जी, जब होगा यानी कि पूरे साल हमारे पास इतना धन होगा कि हम आराम से खर्च कर सके। बढ़िया रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ भोजन करिए, कहीं से भी पैसे कमा लीजिए, कहीं इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्वत लें, मतलब पैसे कमाएं, कोई ऐसा काम कर लें जिससे उस दिन कैश रुपया आए, और उस रुपया में से कुछ रुपया आप जमा करके
बैंक में भी जमा करें या अपने पास जमा करें, बचत भी हो जाए और खर्च भी रहे, सब कुछ बढ़िया। दूसरा दान भी करें। जी जी, दान तो बेहद जरूरी है। दान करें तो उससे आपको प्रसन्नता भी मिलेगी, आत्मविश्वास भी मिलेगा और धन में वृद्धि भी होगी। अगले कॉलर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पंडित जी, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो पूछो, इतने परेशान क्यों हो? सवाल कीजिए। हम ना बता रहे हो तो परेशान। 1992। हाँ बोलो बोलो। उसकी शादी कब तक होगी और करियर कैसा रहेगा? अरे भाई, उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ। मान लो 5 साल का हुआ तो हम कैसे जाने कि वो उसकी शादी कब होगी? 18 फरवरी 1992। 12 फरवरी 1992 है। 18 फरवरी 1992 है तो उसके 28वें वर्ष मतलब अगले वर्ष शादी होगी। 28वें वर्ष में उसकी शादी का योग बन रहा है। तो योग बन रहा है, अगले ही वर्ष शादी का योग बन जाएगा। जैसे ये परेशान थी कि भाई शादी होगी तो कब होगी, इनको तो आपने स्पष्ट बता दिया। और जैसा कि आप बता रहे थे, जो कि हमारी चर्चा चल रही थी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को लेकर, सीधे तौर पर आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को खतरा हो सकता है, स्थिति बहुत उलटफेर की हो सकती है। उनके लिए खतरा से तात्पर्य है उनको काफी तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और ये ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव होगा और उनकी जनता पर, और उनको भारत के प्रधानमंत्री के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो ये भारत की एक तरीके से मजबूत स्थिति रहेगी। भारत के लिए तो ग्रहण अच्छा हो गया ना जी, क्योंकि ग्रहण यहाँ नहीं है, वहाँ पड़ और वहाँ ग्रहण पड़ रहा है। इसके बाद में 16 जुलाई को आपके यहाँ ग्रहण पड़ेगा, रात के 1 बजे के बाद में, 1:57 भारत में पड़ेगा, वो भारत में पड़ेगा और वो 4:00 तक जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उससे पहले मैं पूरी एनालिसिस भी करूंगा जी। वो ग्रहण भारत में दिखाई देगा और धनु और मकर राशि पर पड़ेगा। जब धनु और मकर राशि पर पड़ेगा तो वैसे भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए, रात को 1:30-2 बजे कौन उठेगा, कोई नहीं है जी। हाँ, और जो धार्मिक व्यक्ति हैं उस समय पूजन करते रहते हैं, सवेरे उठेंगे, नहाएं धोएंगे, दान पुण्य करें, सूतक लग जाता। लेकिन जिनकी राशि तुला है, कुंभ है और मीन है, ये सबसे ज्यादा इन दिनों में दुखी हैं। अभी की बात कर रहे हैं, इन दिनों के जो सब, लेकिन ये ग्रहण इन्हीं को सबसे ज्यादा लाभ देगा। ये जो हमारे यहाँ पड़ेगा चंद्र ग्रहण जी, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए और तुला राशि के लिए वो ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। तो जो अभी परेशान चल रहे हैं उनका वक्त अच्छा हो जाएगा इस ग्रहण के बाद। ग्रहण से अमूमन लोग बहुत डरते हैं, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा। अच्छी बात है। तो अगर बाकियों की अगर बात की जाए तो उनके लिए किसी न किसी प्रकार का कष्ट है। किसी को शारीरिक, किसी को पारिवारिक, किसी को आर्थिक, तमाम प्रकार के कष्ट है। 4 तारीख को रथ यात्रा है जी, और इस बार पुष्प नक्षत्र में रथ यात्रा है। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने भी उनकी कृपा से रथ यात्रा के दिन वहाँ पर मैं एक चैनल के माध्यम से उसको कमेंट्री करने के लिए गया था, तो उस दिन, बाकी तो जगन्नाथपुरी बहुत बार गया हूँ, लेकिन उसको बड़ा निकट से और निकट से व्याख्या करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। एक समय दिया आपने। हाँ, काफी। हाँ, जी। हाँ, और उसको पूरी तरह से समझा रथ यात्रा। ये भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं, ये जो कहानी है। हाँ, कहानी। हाँ। है। और उस पर कौन कौन बैठते हैं? हमारे यहाँ एक बड़ी खराब बात कही जाती है राजनीति में कि परिवारवाद है। हाँ। कि साहब मायावती जी ने जो है अपने भाई और अपने भतीजे को बना दिया, अब उनकी पार्टी में भी परिवारवाद आ गया। नेगेटिव अप्रोच। मुलायम सिंह की पार्टी में लड़का, भैया और परिवार के ही लोग होते हैं, परिवारवाद है। हाँ। कांग्रेस में तो खैर परिवारवाद के अलावा कुछ है भी नहीं है। उसमें कुछ और नहीं है, और होता ही नहीं है जी। भाजपा में ये कहा जाता कि परिवारवाद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वहां भी देखने को मिल जाता है, सामने आ रहा है। जैसे एक गवर्नर है, हेलो, उनके बेटे मंत्री है जी। यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। संपर्क से हमारा कट चुका है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि परिवारवाद अब जिसमें नहीं था उसमें भी आ रहा यहां है। भगवान मौसी के आ जाते हैं जी, ठीक है जी, रिश्तेदारी में जाएंगे। हाँ, और किसके साथ जाते हैं? अपने बहन के साथ में, सुभद्रा के साथ में, और भाई बलराम के साथ जी। माँ को नहीं ले गए? हाँ। तो अब आप देखिए, यहाँ पर उनका कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, उनका कोई भक्त नहीं है। और उस रथ पर बैठते हैं बलराम सुभद्रा, इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व दिया है। कहीं रुक्मिणी को महत्व दिया तो कहीं राधा को महत्व दिया जी जी, और कहीं भाई को महत्व दिया, कहीं बहन को महत्व दिया, यानी परिवारों के ही लोगों को महत्व दिया जी। ऐसा नहीं है क्यों? यहाँ पर भी ये हुआ हुआ तो ये क्यों हुआ, इसकी वजह भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। हाँ गुरु जी, क्या विश्वास? आशीर्वाद भैया। हाँ गुरु जी, हमारा नाम घनश्याम सिंह है, 27 दिसंबर 1966 डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, सवाल। कानपुर से आज जन्म स्थान है। आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी गुरु जी? 20 जनवरी के बाद का आपका जो 27 दिसंबर 1966। हाँ हाँ, 20 जनवरी 2020 के बाद में आपके लिए 30 महीने का समय बहुत अच्छा आ रहा, तमाम सारी स्थितियां आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगे। तो समय अच्छा ही आ रहा है, सवाल आपने किया, जवाब मिला और बहुत ही सकारात्मक जवाब मिला। आशीर्वाद दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। परिवारवाद पर आपने कहा कि आखिर वो क्यों? अब आप इसको दूसरे एंगल से लीजिए जी। जो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने देश का भला नहीं कर सकता, वो किसी का नहीं भला कर सकता। ये एक अलग एंगल है जी। यही एंगल है। हाँ हाँ। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, जिसे अपने देश पर, अपनी भाषा पर, अपनी जात पर गर्व नहीं है वो नर नहीं। यहाँ तक कह दिया। कह हाँ। दिया जी। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में जिसको बहुत नेगेटिव माना जाता है कि परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जाता है, मतलब कि आज का कहने का मतलब होता है कि जो जो इसके लायक हैं, पार्टी भी तो एक आपकी परिवार होगी जी। ये तो एक अलग एंगल एंगल हो गया। तो आप अगर आपके बेटा इस योग्य है तो इसलिए उसको चांस नहीं मिल रहा कि आपका बेटा है। अगर ये उसकी योग्यता है, और उस आईएएस का बेटा अगर आईएएस हो जाता तो क्या उसको मना कर दिया जाएगा कि आईएएस को आईएएस में नहीं आना चाहिए उसके बेटे को? वो तो क्वालिफाई करके आएगा, क्योंकि क्वालिफाइड करके आया। हाँ। तो ऐसे अगर चुनाव जीत करके कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो क्या आप रोक लेंगे उसको? बिल्कुल। परिवारवाद आप अपनी पार्टी से नहीं दोगे, दूसरी पार्टी से देगा। अगर उसने जननायक है, जनता के साथ सेवा की है, तो आएगा। ये एक अलग एंगल है सिचुएशन का। हाँ, देना चाहिए। हाँ, तो अगर आदमी योग्य, योग्यता के आधार पर। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बड़े नेता, मध्य प्रदेश उनके विधायक पुत्र हैं जी, और उन्होंने बल्ला चला चला करके ये बताया जा करके हम बड़े बड़े बाप के बेटे हैं। अब उसके खिलाफ क्या उनकी पार्टी क्या कार्यक्रम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। वो कहे थे कि भाई वो कानून के दायरे में, कानून अपना काम करेगा। आपने पल्ला झाड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जो लायक है उसे आगे बढ़ाना ही चाहिए, चाहिए। फिर सिर्फ इसलिए कि परिवारवाद का हम पर आरोप ना लगे, इसके लिए पीछे हटना ठीक नहीं है। अगर हम सही हैं तो अडिग रह करके अपना स्टैंड लेना ही चाहिए। हाँ, जो भी आप, बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि परिवारवाद पर चर्चा की बात करते करते यहाँ पर आ गए हम, और आने वाले समय में आपने बताया कि राजनीति में भी बड़ा बदलाव का समय रहेगा, उथल पुथल का दौर रहेगा। तो और अधिकारियों को बहुत ट्रांसफर होंगे, अधिकारियों के भी ट्रांसफर होंगे, क्योंकि तो ये जो समय उथल पुथल वाला रहेगा, क्या क्या स्थिति घट सकती है उसमें और क्या करना चाहिए हमें ऐसे में? मंगल का परिवर्तन, मंगल के साथ जो बुध का परिवर्तन है, राहु सूर्य के साथ में या शुक्र आ जाएगा जी। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं, शनि के साथ केतु है, बड़ी अजीब सी ग्रह स्थितियां हैं। ये ग्रह स्थितियां अगले 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, आप ये मान के चलिए कम से कम 7 से लेकर के 9
राज्यपाल के पदों में परिवर्तन कराएगा। ये बड़े परिवर्तन, हाँ, बड़ा परिवर्तन जी जी। उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल के पद में परिवर्तन हो सकता है, ये पहले से आपने संभावना जता दी, संभावना बताई। तो इस प्रकार से तमाम राज्यपालों के पदों में, तमाम सारे लोगों के पदों में परिवर्तन आएगा और तमाम लोगों को इसमें अवसर मिलेगा, नए लोगों को अवसर प्राप्त होगा, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, गैर राजनीति से जुड़े हों। तो ये परिवर्तन का जब समझ चलता है तो परिवर्तन होते हैं जी। किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए खराब होता है। किसी के लिए पद जाएगा तो किसी के लिए हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन हो जाए, यानी लेकिन परिवर्तन होंगे। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप बताएं और सवाल करें। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। सरोज यादव मेरा नाम है, हरियाणा से बोल रही हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मैं 22 साल की हूँ और मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। आपके विवाह का योग इसी नवंबर से शुरू हो रहा है और जुलाई 2020 में योग बन रहा है। कोई उपाय बताइए गुरु जी। जब बन रहा तो क्या उपाय बताएं, लेकिन अगर मंगला गौरी का पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुख के लिए भगवती सीता ने मंगला गौरी का पूजन किया, उन्हें श्री राम प्राप्त हुए उनकी इच्छा के अनुसार। आपकी भी इच्छा होगी तो मंगला गौरी की पूजा करें, आपकी इच्छा के अनुसार आपके भी श्री राम प्राप्त होंगे। तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ शुभ है और ये शुभ बना रहे इसके लिए भी उपाय पंडित जी ने बता दिया है आपको। मंगला गौरी का व्रत करें, पूजन करें तो जो ये सब कुछ शुभ शुभ है, खुशखबर बन के आपके सामने आ जाएगा। तो पंडित जी जैसा कि आपने कहा, परिवर्तन का समय है, बड़े बड़े परिवर्तन की आपने एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है। आने वाला समय बताएगा, उस पर भी चर्चा होगी, जैसे कि पिछली बार हमने की, जिस तरह के बड़े बड़े आपने भविष्यवाणी की थी। लेकिन अगर बात की जाए राजनीति की, किस तरह की उथल पुथल, ग्रहों में परिवर्तन होता रहता है हम सभी जानते हैं, और इधर आपने बोला बड़ा विचित्र से परिवर्तन हो रहे हैं, विचित्र से स्थितियां बन रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? बनती रहती, ये सामान्य है। हाँ, ये सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, ग्रह और नक्षत्र में अभी क्या है कि जब कोई ग्रह बकरी होता है तो अधिक नंदनी पावरफुल हो जाता जी, बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तो इस समय शनि भी होगा, बृहस्पति भी होगा, बुध भी होगा, राहु और केतु ऑलरेडी होते हैं, पांच पांच ग्रहों का बकरी प्रभाव और अगले पांच प्रभावशाली स्थिति में है। हाँ, जी। अगले तीन महीनों में बड़े परिवर्तन होंगे। अगले कॉलर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। आशीर्वाद। पनी जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है, उसकी शादी कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ बताएं बहन का। उसकी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1992। इसी सितंबर के बाद बने, यानी अक्टूबर से उसके लिए विवाह का योग प्रारंभ हो रहा है। तर्जनी उंगली में आप उनको पुखराज धारण करा दिए, सफ़ेद पुखराज धारण करें, हनुमान जी को एक चालीसा पढ़ करके, और वो चालीसा किसी मंदिर में दान कर दिया करें, छोड़ दें। तो ये घर में अपना लगातार चालीसा पढ़ते रहें, 9-10 दिन जब पढ़ लें तो 9-10 चालीसा हनुमान जी के मंदिर में दान करते रहें। उपाय बताया है, बिल्कुल उपाय बताया पंडित जी ने आपको, इसको जरूर करें, लाभ होगा ऐसी मेरी भी कामना है। पंडित जी जैसा कि आपने कहा कि जो स्थितियां हैं बहुत प्रभावशाली रहेंगी आगामी तीन महीने तक, बड़े परिवर्तन होंगे राजनीति में हमने डिस्कस किया, लेकिन पत्रकारों में भी परिवर्तन होंगे, एंकरों में भी परिवर्तन होंगे। ये तो अब इस पर पहले चर्चा कर लीजिए, आप जरा बताइए किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। तमाम सारे लोग जो एक चैनल से दूसरे चैनल में, एक अखबार से दूसरे अखबार में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये तीन महीने। जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उनको भी इस तीन महीनों में बड़ा प्रयास कर लेना चाहिए। जिन लोगों को नौकरी में है, दूसरी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर के तीन महीने ऐसे महत्वपूर्ण है, उन्हें भी प्रयास कर लेना चाहिए जी। ये परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो रहा है,
और परिवर्तन यानी कल 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। कहाँ किसका परिवर्तन होता है, किस अधिकारी का होता है, किस विभाग में होता है, कैसे कैसे होता है, राजनीति में भी होगा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी है या उसका राज्यपाल है या और भी लोग हैं, उनके भी पदों में काफ़ी इन 3 महीनों में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा, जब हमें ये पता होता है तो हम एक मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि अगर परिवर्तन खराब है तो भी हम मजबूती से खड़े रहें, किस तरह से उस गलत स्थिति को भी अपने अनुकूल कर लें और अगर अच्छा है तो पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। बात ये बड़ों की हो गई, आपने अधिकारियों की, बड़े बड़े अधिकारियों की बात की, राज्यपाल तक की बात की, लेकिन अक्सर हम बात बच्चों की नहीं कर पाते, विद्यार्थियों की अगर बात करना चाहें तो ये समय उनके लिए कैसा रहेगा, युवाओं के लिए जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? 4 तारीख को बहुत बढ़िया मुहूर्त है जी। जो बच्चे नए विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या अपने पुराने विद्यालय में जाना चाहते हैं, उन्हें 4 तारीख को प्रवेश ले लेना चाहिए। वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, सफलतादायक मुहूर्त है। 4 जुलाई को आप अपने विद्यालय में प्रवेश लेने, अपने नए शिशु को भी प्रवेश दिलाना चाहते हैं, जहाँ भी मिले वहाँ आप उसको प्रवेश 4 जुलाई को दिलाएं, निश्चित रूप से भविष्य में उसका लोक कल्याणी समय होगा। तो ये जो तारीख बताई है, रथ यात्रा शुभ शुभ होगा जी, बिल्कुल। यहाँ पर अगर विद्यार्थियों की बात की जाए जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 महीने का समय उनके लिए कैसा होगा? बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिये, बृहस्पति की स्थिति काफी मजबूत होगी जी, जो लगातार असफलता आ रही है, 1 अंक से रह गए, 2 अंक से रह गए, 4 अंक से रह गए, तमाम सारी चीजें जो हुई है, हो रही हैं। अभी देखिए राजनीतिक स्थितियों में भी जी। जैसे सपा है उसमें भी परिवर्तन होंगे, कांग्रेस है उसमें भी परिवर्तन होंगे, भाजपा है उसमें भी परिवर्तन होंगे, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, यानी परिवर्तन का समय है तो समय परिवर्तन होगा। स्कूलों में प्रिंसिपल परिवर्तित होंगे जी, तो यहाँ पे परिवर्तन होना ही होना है। तो क्या मान के चलें, अगर सब कुछ किसी का अच्छा अच्छा चल रहा है तो परिवर्तन होकर के कुछ और बेहतर हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है, विपरीत स्थिति भी हो सकती है। और अगर आप अपने व्यवसाय के प्रति सिंसियर नहीं है तो आपके लिए कष्टदायी भी हो सकता है जी। तो जैसे कि हमने जाना यहाँ पर कि परिवर्तन हो सकता है और बेहतर भी हो सकता है, कष्टदायी भी हो सकता है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं बीना बोल रही हूँ कानपुर से। जी बीना जी, हाँ। स्वागत है आपका, सवाल करें। मैं मेरे बेटे की शादी के लिए प्रश्न है जी, कब तक होगी शादी उसकी? डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे का। डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1982 जी। ठीक है, आपके बेटे का विवाह 22 अक्टूबर 2019 से 17 नवंबर 2020 के मध्य हो जाएगा। अच्छी पहुँच आती है तो मंगला गौरी यानी भगवती गौरा का अर्थात पार्वती जी का पूजन करें। तो समय भी बता दिया है, क्या कुछ आपको करना है, आपकी क्या भूमिका रहेगी, उसको आप किस तरह से अच्छे से निर्वाह करें ये भी बता दिया है पंडित जी ने आपको, मंगला गौरी का पूजन करें। तो पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है, आगामी 3 महीने हर एक वर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में अब मैं अगला आपसे सवाल करना चाहूंगी, जो आम जनता होती है, बेहद घरेलू लोग हैं, जो व्यवसाय भी करते हैं तो बहुत साधारण सा, नौकरी भी है तो साधारण सी है, परिवार ही उनकी पूंजी है, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसा समय होगा उनके लिए, इस पर मैं चाहूंगी विस्तार से चर्चा करें। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, जानेंगे कि कैसा कुछ रहेगा आगामी 3 महीने का ये खास समय आमजन के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, जल्द हाजिर होंगे। The
दर्शक मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। ग्रैंड गीत होटल्स, कंफर्ट, लग्जरियस, एक्सक्लूसिव, एक्सेलेंट रूम्स एंड स्वीट्स with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, gym open shortly with luxurious services. Also available on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Geet Hotels, Damal, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 237-1046, 979-2000-685. Visit on www.grandkeithhotels.com. के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव, जिसमें चर्चा चल रही है आगामी समय में जिस तरह से ग्रह जो ग्रहण होने वाला है उसका क्या कुछ प्रभाव होगा। आने वाला समय 3 महीने का बेहद खास है। बड़े बड़े लोगों के लिए जब इतना असरदारी है, इतना प्रभावशाली, तो हम आम जन जो बहुत मामूली से होते हैं, छोटी सी हमारी पूंजी होती है, हमारे अपने और हमारा परिवार, इन पर क्या असर पड़ेगा बताएं। नंदिनी जी, एक मेरी मान्यता है कि गरीब कोई नहीं होता है। ये मानसिकता है जी। मेरा जन्म उस घर में, उस किसान के घर में हुआ था जिसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी। मैंने स्वयं खेतों में मजदूरी की है। आपने खुद वहां से शुरुआत हुई। और उस समय भी मैं अपने को गरीब शब्द सुनना नहीं पसंद करता था जी।
कि कोई मुझे ये कहे कि आपको स्कॉलरशिप दे देंगे कि आप गरीब हैं, इस बात को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया जी। जब कोई उद्योगपति कहते थे ये बड़े पैसे वाले हैं तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था, होंगे मुझे क्या लेना देना। मैंने अपना रास्ता तय किया पूरी ईमानदारी से और आज 3 पब्लिक स्कूल बच्चों को दिए। मुझे लगता है जब भी आप ये अनुभव साझा करते हैं एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, संभावनाओं का एक नया सा आकाश खुल जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कल मेरे माता पिता के निर्माण दिवस था, देश के एक सबसे बड़े अखबार के पूरे एडिशन में हमने विज्ञापन माता पिता के लिए दिया था जी, जो एक बड़ा उद्योगपति ही दे सकता है क्योंकि उसके इतने पैसे होते हैं। तो ये हाँ। एक मानसिकता है। बचपन में मैं जब 7 साल का 8 साल का तो जहाज पर बैठ देखता था और ये सोचता था एक दिन इस जहाज पर बैठूंगा जरूर। और उस गांव में जिस गांव में कोई भी हाई स्कूल नहीं होता जी, तब आपने ये सपना देखा था। हाँ। तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे जी, ये खाने के लिए है नहीं, पहनने के लिए है नहीं, जहाज पर बैठेंगे। और आज मेरे यहाँ जो सबसे छोटा सदस्य है मेरे परिवार में वो भी तमाम देशों की यात्रा कर चुका। ये सिर्फ आपसे और अब तक में इतना परिवर्तन आ गया। हाँ। शुरुआत खुद आपने की और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। पंडित जी प्रणाम, मुझे मेरी दीदी के बारे में पूछना था। उनका नाम शुभ्रा है और उनकी जन्म डेट है 23 अप्रैल 1986, सुबह 5:15 बजे का जन्म है। इनका भाग्योदय कब होगा क्योंकि ये टैलेंटेड तो बहुत हैं। भाग्योदय होने में बहुत थोड़ा सा समय है। अच्छा, और छोटा सा काम करें, हम कर्म से बहुत दूर हो जाते हैं। ये नियमित रूप से एक हनुमान चालीसा पढ़ें और रख दें, दूसरे दिन दूसरा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा पढ़ें, जब 9 दिन चालीसा पढ़ लें तो पनकी मंदिर में जाकर के वो चालीसा छोड़ा है, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दें, कुछ दिनों में अपने आप हनुमान जी भाग्योदय करा देंगे। तो जैसे कि आपने इनको उपाय बताने के दौरान कहा कि हम मुफ्त में नंदिनी जी कुछ मिलता नहीं है, कर्म से, आपने कहा कि कर्म से हम बहुत दूर हो जाते हैं, हमें एहसास नहीं हो पाता है कि किस तरह से हम कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति बन जाती है कि हम कुछ नहीं करते हैं और चाहते बहुत कुछ है, तो ये कब बनता है, किस तरह से हम जागृत करें खुद को जब अगर ऐसी स्थिति में हो तो। महत्वाकांक्षी बने आँख खोल करके, सोते हुए नहीं जी। तो एक सेंटेंस में सीधे सीधे कहा है कि महत्वाकांक्षी बने लेकिन आँख खोल करके, सोते हुए नहीं, यानी कि सपने देखें लेकिन वो सपने देखें जो आपकी नींदें उड़ा दें, ना कि आपको सो करके सूख दे कि हाँ भाई सपना देखना है जिसे पूरा करना है। तो पंडित जी जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि आगामी समय आम जन के लिए हालांकि आपने स्पष्ट किया कि कभी खुद को मामूली ना समझें, ही नहीं है, कोई भी मामूली नहीं है, हर कोई खुद में बेहद खास है, तो उस जो खास है उनको संभाल के रखना है, जो परिवर्तन का समय है। हर व्यक्ति में परमात्मा ने एक बहुत अच्छी सी चीज दी, किसी को अगर रूप दिया है तो रूप को सुधार कर रखे जी, वो उसकी दी हुई देन है। हाँ, परमात्मा की देन है, उसकी चीज को आप संभाल कर रखिए जी जी, आपको समाज में सम्मान मिलेगा, रूप से सम्मान मिलेगा। आपको कंठ अच्छा दिया, कंठ को संभाल कर रखिए जी। आपको आंतरिक ऊर्जा दी है, आंतरिक ऊर्जा को मत व्यय करिए। आप दुरुपयोग जब करने लगते हैं शरीर को, मन को और आचरण को, तो ऋणात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर सम डिप्रेशन खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आती है, खुद भाग्य का अपने ही हाथों नाश करते हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ आप दिनचर्या बेहतर कर सकें, अपने अध्यात्म से जुड़ करके, धर्म से जुड़ करके कोई उपाय आप कहना चाहेंगे, नसीहत सलाह देना चाहेंगे? मेरे पिताजी अक्षर शून्य थे जी, जिनके नाम पर 3 पब्लिक स्कूल है, दुर्गा प्रसाद जी मुझसे छोटे पे ही कहा करते थे योग्यता जरूर प्राप्त करो लेकिन योग्यता से ज्यादा जरूरी है सफलता, सफलता से मूल्यांकन होता है। बहुत सारे लोग आपकी सफलता में हिस्सेदारी लेते हैं और विफलता में आप केवल अकेले होते हैं जी। तो ऐसे में उम्मीद उनसे न की जाए जो विफल है, उन
उनको आप सफलता की ओर इंगित करिए, और जो बार बार विफल हो रहे हैं उनको आप सफलता की ओर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सफलता चाहते ही नहीं है, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ यहाँ से होती हैं, तलवार से नहीं होती हैं, बंदूक से नहीं होती, एटम बम से नहीं होती हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से आने वाला समय जो है वो किस तरह से परिवर्तनशील होगा, इस दौरान हमारी क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए। स्पष्ट किया पंडित जी आपने कि मानसिक रूप से सुदृढ़ रहने की जरूरत है, समय और ग्रह परिवर्तन जो है बदलाव आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन हमें अपने जो हमारे सोच है, हमारे जो लक्ष्य है उस पर स्टैंड करना चाहिए। आगे क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? हमारी जो भारतीयता है जी, जो हमारे संस्कार है, हम स्वयं संस्कार सुन हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें समझौते कर लेते हैं जी, हमारे लाभ की बात नहीं, हम फट से समझौते कर लिए, और राजनीति ने तो हमको ऐसी दिशाहीनता, ऐसे संस्कार शून्यता दे दी है। हमसे कई बार कहा जाता है कि आप चुनाव लड़े, हमने कहा देखिए मैं जहाँ हूँ बॉस ठीक हूँ जी, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ। इस देश के अंदर प्रधानमंत्रियों को मंच से गालियां दी जाती हैं जी, राजनीति की स्थिति है, निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है राजनीति, और वो बाद में भले जीत करके सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंच जाए, क्या मतलब भाई? तो सस्ती लोकप्रियता का एक तरीका हो सकता है ये। आज अगर पूरे देश से पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति से, पहले उपराष्ट्रपति से क्रमबद्ध नाम और समय बद्ध नाम बताइए, तो आधा प्रतिशत ये देश के लोग नहीं बता पाएंगे जी। तो उस पद की पद पर पहुंचने की क्या अहमतियां जी, जबकि अगर आप ये पूछे जा करके कि भाई कौन सा साहित्यकार कौन सा क्या है, तमाम सारे लोग उनको बता देंगे, मीरा को बता देंगे, कबीर को बता देंगे, तुलसी को बता देंगे। अगर आपको बनना है तो आप अच्छे चिंतन से ही अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, कालजयी बन सकते हैं, कालजयी बन सकते हैं। अच्छा चिंतन बेहद जरूरी है, और ये तभी संभव होगा जब हमारे जो युवा हैं आगे, अगली पीढ़ी है, ये इस चीजों को, इन बातों के महत्व को समझे। चलते चलते मैं चाहूंगी युवाओं से आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? लक्ष्य निर्धारित कर लें जी, स्वयं निर्धारित करें और उस पर चिंतन करें, उस पर प्रहार करें। जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, हमने देखा एक समय था मुरारजी देसाई का, बिल्कुल उपेक्षित से थे राजनीति में जी, लेकिन वो सक्रिय रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। अपने लड़के के बारे में पूछना, प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद। लड़के के बारे में पूछना, उसका नाम है शिवम दुबे, जन्म है 2000 का, सन 2000 का 28 जून, सुबह का 8:50 का, और दिन का बुधवार। सवाल क्या है इसके? वो कोई भी काम करता है तो पूरा नहीं होता है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता, बहुत परेशानी बनी थी। सफलता का पहला सिद्धांत धैर्य, धीरज धर्म, कार का जो धर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी बहुत जिंदगी में बड़ी परेशानियां आई, और खास तौर से जब केडीए जैसे संस्थान से काम पड़ता है, तो केडीए के मतलब कल दोबारा आना। अच्छा, ये अलग ही आपने नाम दे दिया इनको। हाँ। जी। आप किसी फाइल के लिए, किसी काम के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, जिसके लिए भी जाइए, आपका एक दिन में हो ही नहीं सकता, आप चाहे कुछ हो। वहाँ अगर जाना शुरू कर देंगे और आप अपना काम कराने में सफल हो गए, तो आप दुनिया का हर काम करा लेंगे। और इस तरह से इस सिचुएशन में भी जो काम आता है वो आपने बताया इनको, धीरज, हाँ, धैर्य रखने की जरूरत है। क्योंकि आपको बार बार बुलाया जाएगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप क्यों खींचे, उनकी प्रक्रिया, वहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। और मुझे लगता है यहाँ पर अगर हम पेशेंस खोएंगे, धैर्य को खो देंगे, तो काम बिगड़ भी सकता है। तो लाइफ में भी ऐसा ही कुछ आप कहना चाहेंगे जी, तो क्या कुछ किया जाए इसके लिए, कैसे धैर्य को बनाए रखें? क्योंकि कितना भी, हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, सबका अलग अलग लेवल होता है बर्दाश्त करने का। तो मन को, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये मेरी माँ कहा करते थे जी। जब मैं बड़ा भी अशांत होता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे तो याद ही नहीं है
किसी रिश्तेदार ने इस हथेली पर कभी एक पैसे का सिक्का रखा हो जी, क्योंकि गरीब थे ना, तो गरीब को कोई सिक्का नहीं रखता, दुत्कारता है, पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाओ पैर पीछे कर लेता था, ऐसा ना हो कोई मांग ले, व्यवहार भी नहीं रखना चाहते ऐसे में लोग, जुड़ना नहीं चाहते। और उसमें धैर्य रखिए, परमात्मा से ये कहिए एक दिन ये लोग मेरे सामने हाथ फैलाएं और इनके दोनों हाथों को सिक्कों से भर दे। अच्छा, यहाँ पर भी आपने दुर्भावना नहीं रखी कि जैसा इन्होंने हमारे साथ किया वैसा ना करें, बल्कि सक्षम बने और मदद करें आगे बढ़ करके। बहुत सारी बातें हुई ग्रह और नक्षत्रों का जो असर पड़ेगा आम लोगों पर, बड़े लोगों पर, सब तरीके से, और बातचीत की हमने, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे जीवन का और वो होता है पर्यावरण, मौसम। और ये जो समय है बारिश, कहीं बारिश तो कहीं सूखा, कहीं इंतजार हो रहा है तो कहीं परेशान है लोग, इसका क्या असर, क्या वजह है, ग्रह नक्षत्रों का कुछ प्रभाव है ये भी? मंगल तप रहा है जी, नीच रास कर्क में है, उसके साथ बुध है जो उसका एंटी प्लैनेट है, ये वजह बन रही है इस तरह की स्थिति। आप देखिए कहां भीषण बारिश है, भीषण बारिश से तबाही है, तो कहीं सूखे से तबाही है जी, कहीं गर्मी के कारण से फलों में कीड़े लग रहे हैं और वो बच्चे खाकर मर रहे हैं जी। जिस फल के लिए कहा जाता है कि फल खाइए, फल में ही कीड़े लग जाए और बच्चे मरे जी, ये प्रकृति का प्रकोप है। इसलिए हर व्यक्ति को, मैंने तो 2-4-5 करोड़ पेड़ लगवाए होंगे, कल भी मैंने अपने पिताजी के नाम से सारे लोगों से कहा, बच्चों से, कि 1100 पेड़ इस वर्ष लगाना, लगाना नहीं है, जिसका एक वर्ष तक पेड़ सही होगा, जिस विद्यार्थी का, जिस शिक्षक का, उसे मैं 1000 रुपये अपने पास से दूंगा, स्कूल से नहीं। यहाँ पे देखिए सिर्फ लगाने की बात आपने नहीं की है, बल्कि उसको बड़ा करने की, उसको बनाए रखने की भी बात, क्योंकि सरकार तो इतने पेड़ लगाती है कि अगर उन पेड़ों की गिनती कर ली जाए तो भारत में कोई जमीन ही नहीं बचेगी जाकर के जहाँ पेड़ नहीं लगे हो, पार्लियामेंट भी उसमें पेड़ों से आच्छादित हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने कहा कि प्रकृति का प्रकोप सामने यहाँ पर आया, चलते चलते मैं चाहूंगी कि एक वजह जानना चाहूंगी कि प्रकृति का प्रकोप कब कब होता है, कौन सी हमारी वो गलतियां होती हैं जो प्रकृति के एक साथ क्रूर दोहन करते हैं। एक नियम है न्यूटन लॉ मोशन में, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आप काटोगे तो खुद कट जाओगे, आप बसाओगे खुद बस जाओगे, पेड़ों को लगाओ आपकी पीढ़ी बस जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, चर्चा और परिचर्चा के दौरान जिस तरह की बातें और ज्ञान सामने आया है, मुझे लगता है दर्शक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। अगले रविवार फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए दें हमें अनुमति, नमस्कार। रहे हैं JMD News, आम जन की आवाज। ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं JMD News, आम जन की आवाज। मीडिया हैज चेंज्ड एंड सो इज द टूल। बट ट्रूथ इज द करेंसी ऑफ न्यूज, bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant Eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and more. Only on News and Views.